रायबरेली में 22 से 24 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई टीम की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने खुद प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची। कांग्रेस की इस कार्यशाला में प्रियंका नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगी। इसके साथ ही नई कमेटी के हर सदस्य को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनसे रोजाना रिपोर्ट तलब की जाएगी। रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर एक पर है और यह शर्मनाक बात है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में सरकार ने अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव महोत्सव को प्रांतीय मेले का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के अंतर्गत रायबरेली जिले में रायबरेली सीवरेज योजना फेज 3 से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा मेट्रो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा को सोमवार की शाम नोएडा के सेक्टर 11 स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती किया गया था। जानकारी के अनुसार रॉबर्ट को पीठ और पैरों में दर्द की शिकायत है। पुलिस का इमरजेंसी नंबर बदलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट किया कि सपा के समय शुरू किए गए यूपी 100 की लोकप्रियता से घबराकर योगी सरकार ने जनता में पहचान बन चुके इस आपात सेवा नंबर को बदल दिया। अखिलेश के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को हर चीज में राजनीति दिखाई देती है और जनता अखिलेश को नकार चुकी है। हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के मामले में एटीएस ने बरेली में सैयद कैफी अली नाम के शख्स को हिरासत में लिया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार कैफी दरगाह आला हजरत में खादिम है। शक जताया गया कि मौलाना ने कमलेश तिवारी के हत्यारों की मदद की। कमलेश तिवारी की अस्थियों का वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विसर्जन किया गया। माँ कुसुम और बेटे मृदुल तिवारी ने गंगा में अस्थि कलश को प्रवाहित किया। कुसुम तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जितनी फोर्स हमें घेर कर लाई है, यदि उतनी कमलेश के साथ होती तो हमारे बीच होता। कमलेश तिवारी की मां ने योगी सरकार और पीएम मोदी के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोदी जी भगवान नहीं है और न ही हम लोग पीएम मोदी से संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने गोरखपुर में थानेदारों की पोस्टिंग में आरक्षण नीति का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र पूरी जांच के बाद ही जारी किया जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने लंबे इंतजार के बाद 2017 के आंकड़े जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 के मुकाबले 2017 में हत्या के मामलों में 5.9% की कमी आई। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध के मामले बढ़े हैं। हिंदू महासभा के पूर्व नेता और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्धों की तलाश जारी है। शाहजहांपुर से संदिग्धों का वीडियो सामने आने के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें इन हत्यारों को देखे जाने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में कमलेश तिवारी हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी ई रिक्शा पर पुलिया में घूमते हुए देखे गए। कानपुर में बेटे की मौत की खबर पाकर बांदा से कानपुर आ रहे पिता और चचेरा भाई भी हादसे का शिकार हो गए। एक साथ परिवार में 3 लोगों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर में एक महिला ने अपने 4 बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद उसमें कूद कर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि महिला ने आर्थिक तंगी और गृह कलेश से परेशान होकर यह कदम उठाया। मेरठ पहुंची फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया। साध्वी प्राची ने साथ ही कहा कि फतवे जारी करने वाले मौलानाओं के सिर कलम कर देने चाहिए। एडीजी जोन एसएन सावंत सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां एडीजी जोन एसएन सावंत ने महत्वपूर्ण कोतवाली और थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी जोन ने दीपोत्सव स्थल का निरीक्षण भी किया। सहारनपुर के देवबंद में भाजपा नेता धारा सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को देवबंद क्षेत्र में साई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता धारा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रयागराज के डीआईजी रेंज कार्यालय में तैनात एक फॉलोअर ने पत्नी और बड़े बेटे की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस 3 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई।
अयोध्या में प्रशासन सरयू के तट पर एक साथ 5,51,000 दीपों को जलाकर दीप जलाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए करीब 6,00,000 दीयों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इन 6,00,000 दीयों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में कुम्हार लगे हैं और घर घर दिए बनाए जा रहे हैं।